तो बात कर रहे हैं वी लुकअप में मल्टीपल वैल्यू को लुकअप करने की, कि हाउ कैन लुकअप द मल्टीपल वैल्यू। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि मैं मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि पूजा के बारे में, पूजा की क्वांटिटी के बारे में, तो मैं यहाँ जस्ट वी लुकअप लगाता हूं और मैं इस पूजा को रिपीट करके यहाँ सर्च करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिए। जी हाँ जरूर। तो आप देखेंगे यहाँ 51 आया, मतलब कि एक को लुकअप करता है, लेकिन पूजा इसमें कई बार रिपीटेड है। तो मैं चाहता हूं सबका यहाँ पे कॉमा करके आ जाए। देखिए 2016 तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं था विदाउट वीवीए, वीवीए का यूज करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। पर 2019 में हमारे पास एक फॉर्मूला आया है टैक्स ज्वाइन का, जिसमें हम एक पूरी की पूरी रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। टैक्स ज्वाइन के बारे में बताया भी था टैक्स फॉर्मूले क्लासेस में, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या करता है टैक्स ज्वाइन। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई एक एरिया को ज्वाइन करो, तो इसे ज्वाइन कर दिया। तो फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, हमने इन्वर्टर कॉमा में दिया कॉमा, मतलब कि दो टेक्स्ट के बीच में सेपरेटर क्या होना चाहिए, ओ यहां ब्लैंक को ट्रू करना या नहीं करना है, सो हमने दिया। उसके बाद पूरा का पूरा एक रेंज दे दिया। तो आप यहां देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक रेंज ही हमने दिया हुआ है। तो इससे हम अपना ही प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे कि मैं यहां पे एरे कंसेप्ट दूंगा, मैं दूंगा टेक्स्ट ज्वाइन, मैं दूंगा यहां पे कॉमा, मैं दूंगा ट्रू, उसके बाद यहां दूंगा इफ कंडीशन, इफ और एक पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, बोला अगर ए इक्वल टू पूजा है तो इसकी क्वांटिटी को किया, अदरवाइज ब्लैंक को। समझ में आया आप लोगों को सर कैसे किया मैंने? तो हमने यहां पे क्या किया कि हमने कॉमा दिया सेपरेटर, हमने बोला ब्लैंक को स्किप करना है, फिर इफ को दिया, इफ को बोला कि भाई इसमें से सिलेक्ट कर और देखो कि जे थ्री के बराबर कौन सा है, जो जे थ्री के बराबर है उसके सामने हमने वैल्यू दे दिया, अदरवाइज ब्लैंक दे दिया। तो टेक्स्ट ज्वाइन को वैल्यू ब्लैंक मिला, ब्लैंक को स्किप किया और वैल्यू को कंबाइन कर दिया। इसको और डिटेल में समझना है तो फॉर्मूला वार के एवलेट फॉर्मूला में हम जाएंगे। यहां समझ में आएगी, देखिए तो पूजा जहां जहां पूजा मैच कर रहा है किया, और जहां जहां ट्रू है उसके जगह पर वैल्यू डाल दिया। तो टेक्स ज्वाइन ने ब्लैंक को स्किप कर दिया है, इसको तो अतुल जी समझ में आया आपको कि नहीं? आया सर आया, लेकिन एक बार रिपीट, ये सर ये ट्रू टेक्स्ट ब्लैंक आएगा तो ट्रू क्या है ये? ट्रू मतलब ये क्या होता है, टेक्स्ट ज्वाइन, सुनिए टेक्स्ट ज्वाइन में हमने सबसे पहले देना होता है सेपरेटर, ठीक है ना, तो टेक्स्ट के बीच में कॉमा होगा, डैश हो, क्या हुआ, ट्रू फर्स्ट हुआ कि आपने एक एरिया दिया, उसमें से अगर ब्लैंक सेल मिलेगा तो उसको भी ज्वाइन कर देना है या उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ट्रू का मतलब ट्रू और फॉल्स हो गया, जीरो और वन की, हाँ जैसे जीरो और वन की तरह वो इग्नोर करने की है एमपी सर। जैसे कि जैसे समझे, अब टेक्स्ट लाइन का मतलब समझे क्या होता है, सुनिए हमारे पास कुछ नेम ऑफ लिस्ट है, मुझे यहाँ पे इसी में
नीचे वाले में चाहिए, इस तरह से कॉमा कॉमा करके नीरज चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि हमें वन बाई कॉनकेटेनेट फॉर्मूला लगाते थे ना सर। यस यस, कॉनकेटेनेट फॉर्मूला में मुझे वन बाई वन सिलेक्ट करना होता था इस तरह से। यस यस, बस टेक्स्ट लाइन में पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट कर सकते, तो ये कॉनकेटेनेट में नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट लाइन यही बोलता है कि ये जो आपको पूजा सिलेक्ट करना है तो पूजा और नीरज के बीच में क्या रखना है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब मान लीजिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर, तो यहाँ पे आपके सामने आया डेटा। अब मैं बीच में अगर ब्लैंक कर दूं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना सर। लेकिन यही yes, मैं yes. अगर ट्रू यहाँ पे जो फॉल्स कर दूं, मैं जहाँ ट्रू फॉल्स मांगता था वहां, तो क्या होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि ब्लैंक को भी यहाँ कॉमा के कंसीडर किया हुआ है, देखा? यस यस, अगर मैं इसमें ट्रू कर दूंगा तो इसको इग्नोर कर देगा, मैं ब्लैंक को इसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक ठीक सर, समझ गया सर, समझ गया। तो टेक्स्ट लाइन मदद से हम मल्टीपल रिपीटेड वैल्यू को कॉमा करके रिपीट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे करना है कि एक लिस्ट में मुझे मिले। मैं फिल्टर से लोग करते हैं ना इस तरह से कि हमने पूजा फिल्टर कर लिया, हाँ। तो पूजा का इकट्ठा रो वाइज आ गया, इस तरह से करना। इसके लिए मैं यहाँ पे नेम हेलो पूजा किया, दस मिनट बाद यार एक मिनट का चल रहा है। अब यहाँ हमारे पास लेटेस्ट फॉर्मूला है, तो इसके लिए हमारे पास फिल्टर का फॉर्मूला है। फिल्टर फिल्टर हम एरिया को सेलेक्ट कर लिया, इंक्लूड हमने नेम को लिया, नेम इक्वल टू पूजा, तो पूरा डेटा हमारे सामने आपके सामने है। क्या किया हमने, फिल्टर एरिया लिया और हमने पूरा एक कॉलम लिया जिस कॉलम में हमें पूजा को मैच करना, इक्वल टू पूजा करना, राइट। और ये भी इस तरह से दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूंगा तो ये सेल के वैल्यू बन जाए। अब मैं पूजा के जगह पे कुछ भी लिखूं, मैं यहां पे लिखता हूं टीना, तो टीना का जाए। लेकिन ये जो फिल्टर है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा लेटेस्ट वर्जन का है, इसमें बहुत सारी चीज हम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं एक्सएमएल, नॉर्मल एक्सएमएल मेथड करते हैं कि हम 2013 में 16 में या उससे पहले के वर्जन में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ कॉलम एक ऐड करते हैं, सीरियल नंबर देता हूँ यहाँ पे, आईडी, सॉरी आई, क्योंकि एक यूनिक आईडी बनाना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल काउंट इफ, और मैंने यहाँ B2 से B2 कॉमा B2 कर, और फिर नीचे ड्रैग करने से पहले हम B2 को फ्रीज कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हर नेम को एक सीक्वेंस नंबर मिल गया। आप इसको लुकअप करेंगे इंदर, वन इंदर, टू इंदर, थ्री इंदर, फोर इंदर, दिख रहा है? ऐसे हर किसी का सीक्वेंस मिल गया। तो काउंट इफ को अगर आप इस मेथड से लगाते हो जिस मेथड से हमने बनाया है, तो जितने भी नंबर्स जितना बार रिपीट करेंगे उस हिसाब से सीक्वेंस देता चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके साथ हमने कॉनकेटेनेट लगाया, हमने इसका नेम को कंबाइन कर दिया, वन कविता, टू कविता, थ्री कविता, इस तरह से रिपीटेड हो गया। तो एक यूनिक हमने बना लिया। अब यहां पे मैं सिंपल काउंट इफ लगाता हूं और मैं काउंट करता हूं कि आखिर टोटल टीना है कितना, बोल रहा क्योंकि मैं इसलिए किया क्योंकि वो इतना जितना बार है उतना बार यहां सीरियल नंबर जनरेट होगा। देन इफ
बोला वन प्लस करने पे अगर ग्रेटर देन 34 है तो ब्लैंक, अदरवाइज प्लस वन। और मुझे पता है कि इसमें एरर आने का चांसेस है, तो हमने इस एरर लगाया और बोला जहां एरर आए वहां पे ब्लैंक। और नीचे ड्रैग करने से पहले हमें एम सेवन को फ्रीज करना होगा, तो नीचे की तरफ ड्रैग कर देते। तो जहां पे हम एक एक संभावित कर देता हूं कि यहां 50 तक होगा। अब यहां पे सीरियल नंबर आ गया और यहां पे हमारा यूनिक नंबर क्या है, सीरियल नंबर नेम, सीरियल नंबर नेम। तो यहां हम वी लुकअप लगाते समय सीरियल नंबर के साथ डैश के साथ हम नेम को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, सब में चाहिए तो यहाँ बार बार जो हम 3-4 लिखेंगे उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे मैच लगा दूं। मैच में स्टेट को सिलेक्ट करता हूं, इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा 0 प्रॉपर मैच। आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना पड़ेगा। एरर आ सकता है, इसलिए हम यहां पे इफ एरर लगा देते हैं। इसको हम ड्रैग करते हैं, आ गया उदय किया उदय। यहाँ पे कोई एक दो नेम लिख देता हूँ, जैसे कि राम, और यहाँ पे राम लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ राम को लिखता हूँ, दो है तो दो है। अब मुझे इसके नीचे टोटल ऐड करना है, हम चाहते हैं इसके नीचे टोटल ऐड हो जाए, और टोटल जो है इसके साथ ऊपर नीचे मूव भी करता है, ठीक है। तो यहां पे देता हूं, मैं बोलता हूं कि इफ ऊपर वाले वैल्यू अगर इक्वल टू है, इसके बराबर है, तो यहां पे टोटल आ जाए। नहीं तो जो चल रहा है वो चलने। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है, तो एम से और नीचे इससे क्या फायदा होगा कि राम की जगह पे मान लीजिए मैं उदय कर देता हूं, उदय जहां खत्म होता है उसके नीचे यहां टोटल आ जाए। तो टोटल बेटे के साथ मूव होते रहे। अब मुझे सम करना है, तो यहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी का सम करना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि इफ अगर ए इक्वल टू टोटल है, मतलब कि सीरियल नंबर इक्वल टू टोटल है, तो सम का फॉर्मूला चले इस तरह से। और पहले वाले पी वन को अब फ्रीज करें, तो जब मैं क्या इग्नोर अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पूजा, तो हमारा पूजा का डेटा यहां पे पूजा रखा जा रहा है और यहां पे इसका। अब मुझे यहां पे करना है कि जितना मेरा डेटा हो, जितना मेरा डेटा हो उतना ही फ्री, जो मतलब उतना एरिया में क्या हो जाना चाहिए, फॉर्मेटिंग होना चाहिए, बॉर्डर लगाना, फॉर्मेटिंग भी फॉर्मेटिंग में चाहो होना चाहिए। तो
तो मैं यहां फॉर्मेट में आता हूं, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और हमने इसको सेलेक्ट करके बोला दैट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और मैं इसके डॉलर साइन को यहां से रिमूव कर देता फॉर्मेट। एक मिनट, मैं गलत कर दिया, के नाइन हमारा के फील हो जाता है, सही रहेगा फॉर्मेट। हमें बॉर्डर में जाना है और हमें अपना बॉर्डर दे देना है। फॉर्मेट प्रिंटर से जहां तक आपने फॉर्मूला, या देखिए जहां तक आपने फॉर्मूला लगाया है वहां तक फॉर्मेटिंग करो, ठीक है? ये बोल्ड हो गया ना, इसको सेलेक्ट करके अब बोल्ड कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारा जो टोटल वाला है वो बोल्ड होना चाहिए, तो मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में गया और हमने बोला टोटल, और इसमें मैं टेन को हटा देता हूं, के को रहने देता हूं, फॉर्मेट में गए फॉन्ट और हम इसको बोल्ड कर देते हैं, और फॉर्मेट में हम इसको नहीं, इसमें डबल डैश नहीं होता, सही है, ठीक है, चलो ओके। और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ हम बोल्ड हो गया। अब देखिए मैं यहां पे राम लिखता हूं, तो राम का दो है तो दो पे आ गया, यहां पे योगी कर देता हूं, नहीं सर ठीक है। अतुल जी आया, सर आया, उदय जी हाँ सर, कोई डाउट इसमें? हाँ सर ओके। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने एंड पे कीजिए, मैं वी लुक अप का टॉपिक खत्म कर दिया, कल से हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है सर? इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर, फाइल पे देख रहा हूँ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा लंबा कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या वो तो करनी पड़ेगी। ओके गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर।